नमस्कार दोस्तों, पीएमएस मीडिया एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। देश विदेश, बॉलीवुड हो या खेल, पीएमएस मीडिया आपको इन सभी के करंट अपडेट्स प्रोवाइड करवाता है। तो सभी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारे वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोचक जानकारी। आप सभी ने ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का फिल्मी जगत ऑस्कर अवार्ड्स के लिए क्रेजी क्यों है? तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑस्कर अवार्ड सभी के लिए इतना खास क्यों है। दोस्तों, ये एक अकादमी अवार्ड है जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ये अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत खास होता है। अवार्ड 24 अलग अलग कैटेगरीज के लिए दिया जाता है जो बेहतरीन प्रदर्शन के लिए होता है। इसका सबसे पहला समारोह हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में हुआ था और उसके बाद ये अवार्ड्स कोडेक थिएटर में होने लगे। 16 मई 1929 को इसकी शुरुआत अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने की थी और तब से अब तक इसका सफर जारी है। और इस ट्रॉफी के बारे में सबसे खास बात ये है कि ये ट्रॉफी सोने की होती है, जिसे जॉर्ज स्टैनली ने डिजाइन किया था। ब्रिटेनियम ब्लैक मेटल से बनी हुई इस ट्रॉफी पर सोने की परत चढ़ा दी जाती है। इस ट्रॉफी की लंबाई 13.5 इंच और वजन 3.85 किलो होता है। इस अवार्ड की आकृति एक योद्धा की है, जिसे आर्ट डेको में बनाया गया है। इसमें योद्धा एक तलवार लिए हुए है और 5 तीलियों वाली एक फिल्म रील पर खड़ा है। और ये तीलियां एकेडमी की मूल शाखा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अभिनेता, लेखक, निर्देशक, निर्माता और टेक्नीशियन को दर्शाती हैं। सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड शो 1930 में रेडियो पर प्रसारित हुआ था और इसके बाद साल 1953 से इसे टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है। हम दर्शकों को ये बता दें कि मदर इंडिया पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जो ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। इसके अलावा सन 1992 में इंडियन डायरेक्टर सत्यजीत रे को लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड मिला था और भानु अथैया वो पहली भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर मिला था। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिसकी वजह से ऑस्कर अवार्ड वर्ल्ड वाइड इतना फेमस है और फिल्म इंडस्ट्री का हर शख्स ये चाहता है कि उसे ये अवार्ड एक बार जरूर मिले। तो दोस्तों, फिल्मी जगत के बारे में अभी बस इतना ही। फिर जल्द ही हाजिर होंगे आपके सामने कोई नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।